कैलिकोटा से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और जो तस्वीर आप दरअसल अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हम आपको वॉल पे भी समझाने की कोशिश करेंगे। सर ये ट्रेजेक्टरी हम देख पा रहे हैं, देखिए PS41 है और ये PS31 है। सर ये अगर ग्राफ हमें दर्शकों को आप आसान भाषा में समझा सके तो। देखिए उसमें पहले वाला जो था इसमें देखें कि अब टाइम इतने सेकंड ये हो चुका है और अब ये थर्ड स्टेज सेपरेशन की तरफ है। सर बिल्कुल आप साइड में जाके क्योंकि दर्शक भी देख रहे हैं आप अगर पूरा ये समझा पाए। थर्ड स्टेज सेपरेट होगा अब और थर्ड स्टेज अब होगा। हाँ सेपरेट होगा, अभी थर्ड स्टेज में ये जल रहा है और इसकी ऑल्टीट्यूड ऑलरेडी 176 किलोमीटर इसने गेन कर ली है और रिलेटिव वेलोसिटी इसकी आ रही है 7.31 किलोमीटर पर सेकेंड। सर ये हमारे तमाम साइंटिस्ट हैं, ये मोमेंट हमारे तमाम साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने सालों साल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कैसा लम्हा होता है ये? देखिए साइंटिस्ट एक वो लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं, इनकी जिंदगी में कोई बहुत ग्लैमर नहीं रहता है, ये तो अपना लैब में काम कर रहे हैं, उनको जुनून होता है, ये मतलब अपने काम में बिल्कुल लिप्त होते हैं और ये इस तरह के मिशन जो है ना बिना पूरा उसमें इमर्स हुए नहीं अचीव हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है, बहुत स्टेक्स होते हैं, नेशनल स्टेक्स होते हैं, कोई कमर्शियल स्टेक्स या पैसे की बात नहीं है। तो भाई मैं तो इस मंच से सारे इसरो के वैज्ञानिकों को मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं जैसा कि आपने पहले बताया था, कब तक ये कंफर्म हो जाएगा? एक घंटा हम ये माने क्योंकि अब 12 बज गए हैं तो एक बजे तक ये कंफर्म हो जाएगा। हो जाएगा कि इसने अपना जो रॉकेट था उसने जो एक 95% अपना काम जो कर दिया, उसके बाद ये मैन्यूवरिंग करेंगे क्योंकि इसको मैन्यूवरिंग में भी ये उसको उसके थ्रस्टर्स या बूस्टर्स को ऑन करेंगे। अच्छा ये जितने भी अभी तक सूर्य को लेकर के AK सिंह जी मिशन हुए हैं जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कैसे हमारा ये आदित्य L1 मिशन उन मिशन से अलग है? 20 से ज्यादा मिशन अभी तक हुए हैं। देखिए L1 मिशन हम शुरू से कह रहे हैं ये ऐसा मिशन है जो सूरज की जो विषमताएं हैं या जो उसके रहस्य हैं, विभिन्न प्रकार के रहस्य हैं, चाहे वो सोलर स्टॉर्म है, चाहे जो बच्चे बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, वो ज़्यादा गर्म क्यों है उसके फोटोस्फीयर से जो अंदर है, उसकी क्या कारण है और हाउ द सोलर स्टॉर्म्स इफेक्ट अवर अर्थ, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं। बिल्कुल, ये ग्राफ अगर आप समझा पाएं ये इसमें बता रहा है। देखिए PS1 इग्निशन थी उसमें, देखिए अब ये जो है ये इनका ऑलरेडी चार्ट है, अगर ये ब्लिंक जो करा इट मींस इट इज फॉलोइंग द प्री डिटरमिंड पाथ। सो इज इट दिस, ये जो हल्की सी रेड लाइन जा रही है ये आगे इसी ट्रैजेक्टरी पे आगे बढ़ेगी? यस बिल्कुल, अगर ये डेविएट करती है तो इसका मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग, इफ इट इज फॉलोइंग दैट ट्रैजेक्टरी इट मींस मतलब ये यहां पर है अभी इस पॉइंट पे। यस ऐसे समझे इसको। यस यस ये अपने बस के साथ ये अपना बढ़ेगी और वो भी बढ़ेगी। ये किस चीज की है सर? ये स्टेज सेपरेशन बताना, PS3 का यहाँ हो गया, अभी यहाँ पे PS4 ही ओके अभी होगा। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अंकिता, ये उस सेंटर की तस्वीरें हैं जहाँ पर वैज्ञानिक टकटकी लगाए बैठे हैं क्योंकि अभी एक घंटा और इम्पोर्टेंट है, यानी कि एक घंटे बाद पता चल जाएगा कि सफल लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे, इनकी भाव भंगिमा देखिए, चेहरों को आप पढ़ सकते हैं क्योंकि जब आपका सपना साकार होता है, जब मेहनत रंग लाती है तो कुछ ऐसी सोमनाथ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन रवीना जी आपसे ये समझना चाहेंगे, 4 महीने की बात हो रही है, जब चंद्रयान को लॉन्च किया गया था तब कहा जा रहा था कि 15 दिन तक वो सर्वाइव करेगा, अगर इस पूरे मिशन की लॉन्गेविटी की बात करें तो 4 महीने से क्या इतर, मैं आप सबका इस पे मत जानना चाहूंगी लेकिन रवीना जी आपसे स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेविटी क्या 4 महीने से ज्यादा भी हो सकती है? अभी तो मैम जो हमने तय किया है वो 4 महीने तय किया है, 4 महीने में लगभग ये L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा और जो ड्यूरेशन हमने इसकी रखी है कि ये 5 साल वहाँ पे स्टे करेगा और वहाँ से ये सन को जो है स्टडी करेगा, क्योंकि जब हम धरती पे रहते हैं, क्योंकि धरती पे हमारा एक ऐसा एटमोसफेयर है जहाँ से सन की सारी ऊर्जा हमारे पास नहीं आती, जो हार्मफुल रेडिएशन है उससे हमें बचाया जाता है, धरती का जो एटमोसफेयर है वो बचाता है, तो हमें वहाँ जाके इसे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है अभी तय जो है 4 महीने है, हम लोग लगातार इस पे देखते हैं। बिल्कुल, ये एक बार इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लैग्रेंज पॉइंट L1, L3, L5 और L4, L2। तो L1, L2, L3 अगर रचिता जी मैं गलत नहीं हूँ तो ये नॉन स्टेबल पॉइंट्स हैं, जबकि L3 और माफ कीजिएगा L4 और L5 स्टेबल हैं, ऐसा क्या? मैम मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने L1 पॉइंट चूज़ किया है वो बेसिकली इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जो जिसमें ग्रेविटी तो ऑफकोर्स नहीं है, जो न्यूट्रल पॉइंट दे रहा है, प्लस इसमें कोई भी एक्लिप्स नहीं मिलेगा, हम सन को डायरेक्टली विदाउट एक्लिप्स भी जल्दी से बताइए क्या भविष्य में L4 और L5 से भी हम इस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर ज़रूरत होगी तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि L1 पे हम पहली बार गए हैं,
ठीक है किशन जी, मैं आपको रोकूंगी। और देखिए ये जो हम आपको बता रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे थे कि एल1 क्यों है, और मेरी सहयोगी अनुपमा इस वक्त इसरो मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। अनुपमा, लॉन्चिंग तो सफल हो गई है, कुछ देर का इंतजार, और क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाली हैं? बिल्कुल जसप्रीत, सबसे अच्छी और सबसे खुशी की बात यही है, जिस तरीके से लोग दुआ कर रहे थे, लोगों की दुआ जो है वो काम हो गई। जो लॉन्चिंग हुई वो बहुत प्यार से हुई, बहुत आराम से हुई, कोई दिक्कत, कोई टेक्निकल खराबी जो है वो नहीं आई है। लेकिन देखिए अभी भी जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक अंदर बैठे हुए हैं, उनकी नज़र पूरी तरीके से ये मतलब देखिए चार्ट के जरिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आखिर किस तरीके से जो है अर्थ के बाहर जाएगा, 15 लाख की दूरी पर ये L1 जो है वो मौजूद रहेगा, आदित्य L1 वो पॉइंट। ये देखें अब ये दिखाया जा रहा है कि आखिर ये जो लॉन्चिंग है आदित्य L1 की वो कहाँ तक पहुँची है, टाइम कितना हुआ है, रेंज कितनी है, वेलोसिटी, एल्टीट्यूड, ये सब कुछ जो है समझाया जा रहा है मैप के जरिए। और देखिए टाइम वर्सेस एल्टीट्यूड कहा, लेकिन बहुत साइंटिफिक, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो शायद थोड़ी सी हमारी समझ से बाहर होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है ये समझाने की कोशिश ये बताया जा रहा है वहाँ पर लगातार कि देखिए कहाँ तक जो है आदित्य L1 पहुँचा है, किस तरीके से पहुँचा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हर किसी ने देखा, जिस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था कि सक्सेसफुली लॉन्चिंग जो है वो हो जाए, हर किसी ने दुआ की थी, हर कोई इस बात की। और हमने ये भी देखा कि इसरो चीफ सोमनाथ जी जो थे वो आखिर किस तरीके से आंखें बंद कर बैठे हुए थे, लास्ट 10 सेकंड में उन्होंने पूरी तरह से आंखें बंद की हुई थी कि किसी भी तरीके से जो है वो लॉन्चिंग हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का पहला सोलर मिशन ये है जो अपने आप में जो है इतिहास रचने जा रहा है। और 4 महीने बाद जब ये वहां पर पहुंच जाएगा, उसके बाद 5 साल तक जब चक्कर काटेगा, तब पता चलेगा कि आखिर जो सूरज है उसमें कितनी ज्यादा गर्मी है, वहां कितने तूफान उठते हैं, उससे जो है पृथ्वी को कितना खतरा हो सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है जानकारी जो है आदित्य लगातार इसरो को भेजता रहेगा, वहां से फोटोज जो है लगातार आती रहेंगी। हमने देखा है पिछले दिनों में, और हम मुझे लगता है हिंदुस्तान को इस बात की आदत सी हो गई है कि हम जो है वो अंतरिक्ष की तस्वीरें देखें, क्योंकि चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 की हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से वहां से जो है तस्वीर आ रही है, जगह जगह से तस्वीर आ रखी है, वहां हीलियम जो है मौजूद है, वहां ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन की तलाश की जा रही है। तो ये तमाम चीजें जो है अब इसकी आदत शायद हिंदुस्तान को हो चुकी है, और इसीलिए कहा जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है जो एक नई नींव जो है वो रखने जा रहा है। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि देखिए सोमनाथ जो है इसरो चीफ वो यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी साइंटिस्ट भी मौजूद है, लेकिन उनके चेहरे पर एक रिलैक्स जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हाँ अब जो है लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये आदित्य L1 मिशन की मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, जिस तरीके से हमने चंद्रयान में देखा था कि पेलेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, उसके बाद जो तमाम चीज़ें होनी है, अब इस पर नज़र रखी जाएगी, 4 महीने तक जो है इस पर भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाएगा, इसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि कभी भी जो है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, तो स्पेस में अब ये जो है वो फिलहाल मौजूद है। जैसे ही ये पृथ्वी से बाहर पहुँचेगा इसके बारे में इसरो की तरफ से जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो है इस पर नज़र रखी जा रही है। मैं अपने विजय को कहूँगी कि ये तस्वीर लगातार दिखाते रहे, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो लोगों के लिए बहुत खास हो जाती है, क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, EU और उसके बाद अब हिंदुस्तान की बारी,